तो अब बात करते हैं कि जो हमारा डीलक्स कैटेगरी का रूम था वो किसका क्या कॉस्टिंग थी और क्या इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था और अल्टीमेटली हमने कितना पे किया इसके लिए। तो पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एटलीस्ट दो कैटेगरी के रूम्स हमारे बजट में थे, एक सुपीरियर एग्जीक्यूटिव और एक डीलक्स। तो हमने चूज़ किया था सुपीरियर एग्जीक्यूटिव, लेकिन हमको लास्ट मोमेंट हमने बोला कि अगर अवेलेबल हो तो हमको डीलक्स कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी टिप होती है कभी भी आप अगर फाइव स्टार होटल्स में जा रहे हैं, स्पेशली इस टाइम पे क्योंकि रूम्स काफ़ी खाली हैं। तो हमेशा चेक करिए एक दिन या 2 दिन पहले जैसे ही आप बुक कराते हैं कि अगर कोई अपग्रेड पॉसिबल है। टेल देम इफ़ यू हैव एन ओकेजन, कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो फाइव स्टार होटल्स के स्टाफ हमेशा हमेशा आपको एक अपग्रेड ज़रूर दे देंगे, क्योंकि एक तो पहली बात तो वो बहुत कर्टियस होते हैं और दूसरी बात रूम्स काफ़ी खाली हैं। तो हमारा सुपीरियर कैटेगरी का रूम हमें हमारा अपग्रेड होके डिलक्स में हो गया था। दूसरी चीज़, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट था 10,000 प्लस टैक्सेस अप्रॉक्सीमेटली। ताज वेबसाइट पे एक्चुअल कॉस्ट आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली सर्च प्राइसिंग और वो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके एग्जैक्ट प्राइस देख सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको 10,000 प्लस टैक्सेस में मिलेगा। हमने बुक कराया था मेक माई ट्रिप से, आप चाहें तो ताज वेबसाइट से भी करा सकते हैं, सेम कॉस्टिंग थी, इनफैक्ट थोड़ी कम ही थी। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके बुक, वहाँ पे फ़ोन करके बुक करा सकते हैं, या फिर आप ताज की वेबसाइट से करा सकते हैं, या फिर आप मेक माई ट्रिप से करा सकते हैं। तो हमने मेक माई ट्रिप से कराया था क्योंकि हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें मेक माई ट्रिप में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं।